हेलो हेलो चलो हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास इलेवेंथ आई एम सो सॉरी बच्चों आई एम लिटिल बिट लेट पांच ही मिनट लेट हुई हूँ इतना ज्यादा चिल्लाओ मत मेरे पर पांच ही मिनट लेट हुई यू हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब वेलकम टू द क्लास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड और पूरा का पूरा रिवीजन इससे एक ही बार में एक चैप्टर का खत्म पूरा अच्छे से हो जाएगा हेलो हेलो एवरीवन जल्दी से सबको बुला लो मैं देख रही थी कि वेटिंग पे बहुत ज्यादा बच्चे थे अभी कॉन्करेंट में बहुत कम है करंट बच्चे बहुत कम है सबको बुला लो सबको बुला लो लिंक शेयर कर दो बोलो जल्दी से आ जाने के लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा आप लोग कैसे हो दिव्या सिंह शुभू पुनीत दिव्या अश्मीत लकी सुरखब नितिन जसवीर सागर अनीता मु मुजीब तुगेश प्रियांशी तारा कुनीक सुमन उन्नति किस्मत यार उन्नति दीप सानवी हेलो 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 एवरीवन वेलकम टू द क्लास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड बहुत ही छोटू मोटू सा प्यारा सा चैप्टर चैप्टर है पूरा हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो जो बच्चे फिलहाल नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको उनके लिए भी ये यूजफुल है और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इलेवेंथ ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये, ये यूजफुल क्लास है तो सब लोग आ जाइए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ जरूरी बातें मैं आप लोगों से कर लेती हूँ जरूरी बात ये है कि अभी फ़िलहाल अभी जितने भी क्लासेस मेरे चल रहे हैं नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ बायोलॉजी के वो सारे क्लासेस ना रिविजन सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स में ले रही हूँ ये मत समझना कि ये चैप्टर हो गया अब दोबारा कभी ये चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ रिविज़न है मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगी हर एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डीप में कवर करूँगी तो अभी हम लोग बस ये करेंगे कि ऊपर-ऊपर से रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं और कहाँ-कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी ये मेरा रिवर्स प्रोसेस है मेरा टेक्निक है पढ़ाने का जैसे बोला जाता है ना आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो पहले क्वेश्चंस देखो उसके बाद पढ़ना शुरू करो तो वही चीज मैं करना चाहती हूँ पहले मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ चैप्टर उसके बाद पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ ठीक है बिना पढ़े रिवीजन इसलिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक की ऐसा नहीं है कि मैं बस उड़ा उड़ा दूंगी मैं पढ़ाऊंगी सारे टॉपिक्स और समझाऊंगी भी बहुत अच्छे से लेकिन जो डीप एक्सप्लेनेशन होता है जो नोट्स होते हैं जैसा मैं पहले पीपीटीज बना बना कर आपको पढ़ाती थी वो होगा जब प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा वाई का और हर एक क्लास का मैं हर एक चैप्टर का मैं दो तीन पार्ट में लेक्चर प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था ना कि डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा सारे चैप्टर्स का इन मेनी लेक्चर्स राइट तो उसके साथ साथ मैं ये अब अभी रिविजन आप लोगों को करवा रही हूँ ठीक है मैम टेल आशु सर टू तो डू समथिंग फॉर कॉमर्स स्टूडेंट कॉमर्स की क्लास तो आ रही है ना कॉमर्स तो चलने लग गया है मैम क्लासेस नाइन्थ से हो गई ना क्लास नाइन्थ को ना कुछ स्पेशल क्लासेस हैं और टेंथ से एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस चलेगी वैसे क्लास जो है वो नाइन्थ से स्टार्ट है चलो पेड बैच कब से स्टार्ट हो रही है ईगरली वेटिंग आई एम ऑल्सो वेटिंग मैं भी बस चाह रही हूँ जल्दी से मेरे सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए और हम लोग मिल मतलब पढ़ाई उढ़ाई और पूरे क्लासेस स्टार्ट करें आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस और अभी आप में से जितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया है तो आप लोग भी सुन लो नाइन्थ से क्लासेस स्टार्ट हो रही है और उसके साथ साथ हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन नीट की तैयारी सब कुछ आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डीप एंड क्रिस्प और क्लियर तरीके से मिलेगा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पता है अभी मैं लेट की हुई मैं हैंड रिटन नोट्स की ही कुछ तैयारी कर रही थी कुछ मैं लिख रही थी और लिखते लिखते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला वही हैंड रिटन नोट्स जो सारे के सारे पेड़ बैच वाले बच्चों को मिलने वाला है तो आई एम प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स राइट तो जिस जिस भी बच्चे को अभी भी मौका है एनरोलमेंट का अभी भी करवा सकते हो आप एडमिशन अप, अपने अपने पसंदीदा बैचेस में करवाना है साइंस एंड फन का ऐप खोलो अपना क्लास सेलेक्ट करो इलेवेंथ क्लास सेलेक्ट करो बहुत सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे यलगार बैच दिख जाएगा टॉपर्स बैच दिख जाएगा वरदान बैच दिख जाएगा जो आपको सूटेबल लगता है आप उसको परचेज कर सकते हो एंड आप मेरा नाम प्लस टेन सोनम टेन कूपन कोड यूज कर सकते हो इंस्टेंटली डिस्काउंट पाने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर बिना किसी विलंब के द है ना द द लिविंग वर्ल्ड सबसे पहले तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए अभी तक क्लास टेंथ में जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ना वो पूरा साइंस का एक बुक था एनसीईआरटी का उसी के अंदर सारे चैप्टर्स अब नहीं चलेगा बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपके लिए गीता बाइबल कुरान सब कुछ है उसी में से ही आएगा जो आएगा उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा ठीक है कोई बात नहीं अभी एनसीआरटी नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है जितनी जल्दी हो सके एनसीईआरटी ले लेना क्योंकि उसी से आपको पूरे नोट्स बनाने उसी पे सारे नोट्स बनाने रुको मैं आपको अपनी एनसीईआरटी खोलकर दिखाती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी पास में होना कोई भी टॉपिक हो कुछ भी हो सारी चीजें इसमें अच्छी तरीके से हो जाती हैं देखो ये है सेल का चैप्टर जो आप लोगों को लगता है बहुत ज्यादा इजी है है ना इसके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैंने नोट्स बनाए थे अपने टाइम पे यह मेरा मेरे सोचो स्कूल टाइम का ये बुक है देखो कितनी सारी चीजें लिखी हुई है एक्स्ट्रा मैंने साइड में देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं देखो ध्यान से कितना कुछ साइड में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया गया है सेपरेट कलर के पेन से ये सब आपको करना है ये सब करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा नोट्स की भी जरूरत ना पड़े आपका सब कुछ एक ही जगह कंपाइल हो जाए आपकी एनसीईआरटी में ठीक है विट्रो 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 कल्चर क्या होता है विट्रो, विट्रो का मतलब होता है टेस्ट यूग। टेस्ट ट्यूब में जब हम कल्चरिंग करते हैं दैट मीन्स विट्रो कल्चर कहां पढ़ लिया वैसे विट्रो कल्चर कहाँ है आखिर है चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कुछ टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी में होंगे या शायद नहीं होंगे पुरानी एनसीआरटी में होंगे वो आपके करंट सिलेबस में नहीं है पर मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगी ये मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि हर बच्चा सीबीएसई बोर्ड का नहीं होता है सार, बहुत सारे बच्चे अलग अलग बोर्ड के भी होते हैं आईसीएससी के भी होते हैं और नीट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ सब कुछ कवर करूंगी सो बी रेडी फॉर दैट बापरे अभी मैं पीछे गिरने वाली थी हां जी लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आप सोचोगे किस चीज के बारे में सोचेगी सोचोगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचोगे है ना मैम हैंड रिटन नोट्स कहा मिलेंगे पेड़ वालों को जैसे ही आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे ना तो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फोल्डर होगा आपके बैच जब आप अपने बैच पे क्लिक करोगे तो ऊपर लाइव रिकॉर्डेड नोट्स करके टैब्स दिए हुए होंगे तो लाइव पे क्लिक करोगे आपके लाइव क्लासेस आ जाएंगे रिकॉर्डेड पे क्लिक करोगे तो पुराने क्लासेस जो ऑलरेडी लाइव खत्म हो गया उसके आ जाएंगे वहीं पर आपको आपके उस क्लास का नोट भी मिल जाएगा ठीक है जेई की तैयारी होगी बहुत जल्दी जेई का भी बैच लॉन्च होने वाला है सो गेट एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो जेई की भी बिल्कुल तैयारी होगी बिल्कुल होगी और बहुत अच्छे-अच्छे फैकल्टीज आने वाली हैं सो लॉन्चिंग के लिए वेट करो थोड़ा सा बहुत जल्दी होगा चलिए तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या है तो बेसिक आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि वो मतलब कॉन्स्टेंटली उसकी ग्रोथ होती रहेगी ग्रोथ इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहां पर लिख भी देती हूँ <laughs> ध्यान से देखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे गलत फहमियों से आपको छुटकारा मिलेगा आज देखना ध्यान से देखो अभी क्लास को सबसे पहला अगर आप पॉइंट सोचोगे तो यही सोचोगे कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है धीरे-धीरे मतलब बड़ा एक एडल्ट बन जाता है उसकी पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है बेसिकली के के, ग्रोथ मतलब आ, रूप में देखोगे है ना पर इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन मास एंड सेल नंबर ये डिटेल में लिखना पड़ता है ग्रोथ के साथ साथ कि अगर mass में इंक्रीज हो रहा है सेल्स के नंबर में इंक्रीज हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है तब हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बींग हो सकता है अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वही लिविंग बींग है हो सकता है अब फॉर एग्जाम्पल मान लो पहाड़ है कभी पहाड़ जो है उसकी साइज बड़ी होती चली जाती है सैंड ड्यून्स है रेत का जो पहाड़ पहाड़ बन जाता है तो धीरे धीरे रेत रेत और उस ऐड होती जा रही है रे, रेत का जो साइज है वो बड़ा होता चला जा रहा है तो इससे क्या बोलोगे आप कि वो उसकी ग्रोथ हो रही है इससे क्या बोलोगे आप कि वो लिविंग बींग है नहीं है ना तो ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से विदाउट एनी एक्सेप्शन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग बींग का ठीक है एक पर्दा हटा एक गलत फैमी से पर्दा हटा अगर आपसे पूछा जाए ना कि विच इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नॉन मतलब लिविंग में हो ही नहीं सकता सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है आप ग्रोथ नहीं बोल सकते जबकि कितना प्रोमिनेंट कितना मतलब डिस्टिंक्ट होता है देखना कि यार ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा है कि नहीं ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एक्सर्शन ग्रोथ डेवलपमेंट मूवमेंट रिप्रोडक्शन चलो ठीक है रिप्रोडक्शन पे चलो हम आ जाते अब आ जाते दूसरे पॉइंट पे रिप्रोडक्शन पे आ जाते ये बताइए कोई भी ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस करेगा

प्रोडक्ट भगवान का बस ऐसे टपक गए हो पता नहीं क्या कर रहे हो उस धरती पे ऐसे बोलोगे आप नहीं बोल सकते ना वो भी तो लिविंग बींग है तो देर इज एक्सेप्शन इन रिप्रोडक्शन ऑल्सो तो हम ये भी नहीं कह सकते कि लिविंग बींग लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का एक मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन एक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम ये आप लोग देख सकते हो आ, पेज नंबर फोर खोलो और लास्ट पैरा के ऊपर वाली दो तीन लाइन है उसमें पढ़ो लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर स्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अब भैया ऐसा कौन सा कैरेक्टर स्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें किसी भी तरह का को कोई एक्सेप्शन नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही प्रॉपर्टी है बाकी किसी का भी वो प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा क्या है वॉइस ब्रेक हो रही है एक सेकेंड एक सेकेंड ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे क्यों हेलो हाँ, हेलो आवाज तो आ रही है बच्चों। एंड सेल भी है यहाँ पर सेल तो है फटाफट पट से अभी बताइए मुझे कि आवाज मैंने माइक बहुत नीचे कर लिया इसलिए ऐसा है क्या रुको हेलो हेलो आवाज आ रही है ओके ओके थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बताने के लिए मैं तब से बोली जा रही हूँ आप लोग को पता ही नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ फिर से बता दू क्या कहीं से फिर से बता दू बता दो, मैम बट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड से ग्रोथ ग्रोथ करते हैं एंड नॉन लिविंग आउटसाइड से चलो मान लो ये भी समझ में आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड से ग्रोथ करते हैं पर ग्रोथ में कहीं ना कहीं कालिक पड़ गई ना वो दाग आ गया ग्रोथ भी पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है इनसाइड आउटसाइड करना पड़ जा रहा है तो ग्रोथ भी पूरी तरह से इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं हो गया ना इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं हो गया बच्चों ठीक है बाकी सब कुछ तो ठीक है ऑब्वियसली ग्रोथ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होती है, सब कुछ ठीक है पर इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं हो गई ठीक है एक्युमुलेशन हो सकता है इनसाइडली भी आ, सिर्फ इनसाइडली जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है आउटसाइड से सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है तो एक तरह से ना डिविजन हो गया वो प्योर तरीके से सही नहीं है ओके okay, चलो ब्रीदिंग नहीं 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 ब्रीदिंग इज नॉट इन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है चलो अगला पॉइंट देखते रिप्रोडक्शन देखो मैं ये वाला पेन यूज कर रही हूँ मैं भी ना मतलब बोलोगे आप लोग भी क्या मैम आप भी ना है ना चलो अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे चौथा पॉइंट क्या है मैम इन लिविंग पीपल वेयर सेल डिवीजन एंड इंक्रीजिंग मास हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है ये सारे कह रहे देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर नीट में क्या क्वेश्चन आते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का चारों ऑप्शन दिए जाएंगे अभी मैं ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस और यहाँ पे लिख रही हूं ब्रीदिंग ठीक है हाँ जी जो बच्चे सॉरी 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 ब्रीदिंग नहीं है मेरे दिमाग में ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करना चल रहा था और वो निकल गया कोई नहीं मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म चार चार कैरेक्टर्सिस्टिक्स मैंने बताया चारों ही कैरेक्टर्सिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि बिना किसी एक्सेप्शन के आप बताओ कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप ये नहीं बता सकते आप ये नहीं बता सकते नहीं बता सकते आप क्योंकि एक्सेप्शंस हैं ब्रीदिंग बोल रहे थे जो बच्चे सोचो जिनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं पोरीफेरा है, है सीलेंट्रेटा है इनको आप लिविंग कंसीडर नहीं करोगे ये मर गए ये डेड है बताओ ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं नहीं है ना लिविंग है ना कुछ ऐसे और बैक्टीरिया बेचारे वो, वो बैक्टीरिया क्या बिगाड़े हैं और आपका फंजाई क्या बिगाड़ा है आपका प्लांट्स क्या बिगाड़े प्लांट्स सोचो सबसे हाइयर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स क्या बिगाड़े हैं आपका ब्रीदिंग जो आप बोल रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आ, आ जाते हैं ना फ्रॉम अ बैक्टीरिया टू अ मैन फ्रॉम अ स्माल मॉसिसो को तो हमारा थर्ड पॉइंट है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस यानी कि किसी भी एक्सटर्नल स्टूमलाई को रिस्पॉन्ड कर पाना इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है लिविंग बींग है तो वो कॉन्शियस होगा ही होगा क्लास के लिए थोड़ा हो जाएगा. इसलिए इतना इतना गहराई में नहीं जाना है हम लोगों को तो वो हम लोग डिटेल वाले क्लासेस में पढ़ेंगे अ टाइप ऑफ स्नेक देट डूइंग रिप्रोडक्शन अरे स्नेक तो छोड़ो सोचो जो लोग वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहे उनका तो कोई भी बॉडी का पार्ट तोड़ दो और लगा दो सॉइल में और उनका पूरा बॉडी बन जाएगा तो क्या बोलोगे उनको नॉन लिविंग बोल दोगे नहीं ना तो रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन हैं उसको एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं बोला जा सकता ग्रोथ के भी एक्सेप्शन है एक और चीज़ है और वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो भी डिफाइनिंग फीचर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ठीक है मेटाबॉलिज्म एक तरह से वो भी डिफाइनिंग फीचर होती है किसी भी नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना मेटाबॉलिज्म नहीं होता मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं ताकि हमारी लाइफ सस्टेन कर सके इवन बैक्टीरिया में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है इवन फंजाई में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है बाकी किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये समझ लो ये थोड़ा सा लंदी हो गया मैं भावनाओं में बहने लग गई पर चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को अब हम आ जाते हैं डाइवर्सिटी में कि इतनी ज्यादा जो स्पीशीज है इन स्पीशीज को हम रखेंगे किस कैटेगरी में आखिर मैम व्हाट इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हम बॉडी के बाहर किसी लेबोरेटरी में या फिर वही जो विट्रो वाला था ना इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में उस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं तो दैट इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर कोई कोमा पेशेंट है तो वो भी लिविंग है बिल्कुल वो लिविंग लिविंग है भले वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा है पर उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है ना जब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है तब डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हम इन्हें कुछ ही घंटे तक बचा सकते हैं उसके बाद इनकी डेथ हो सकती है बॉडी का रिस्पॉन्ड करना यानी कि कॉन्शियस होना जरूरी होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है इंटरनली एंड बॉडी well तो 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 के इन साइड में रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं वो जो वेंटिलेटर्स पे मशीन्स लगी हुई होती है ई सी जी वगैरह लगा होता है जो ऐसे ऐसे करके दिखा रहा होता है ये क्या है एक तरह का रिस्पॉन्स ही तो है बॉडी का ठीक है चलो ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया इतना ज्यादा डीप में लिंक था नहीं कराना था चलिए कोई बात नहीं अब हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि इतनी जो बड़ी साइज एंड नंबर है इतने सारे स्पीशीज की इतनी सारी लिविंग स्पीशीज की उसका आखिर नंबर कितना है सो 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज आर डिस्कवर्ड टिल नाउ आर डिस्कवर्ड टिल नाउ सोचो इतनी ज्यादा स्पीशीज तो डिस्कवर हो गई पर कौन सी स्पीशीज किस कैटेगरी में जाएगी किस ग्रुप में जाएगी कहाँ पे बिलोंग करेगी ये सारी चीजें नहीं पता थी बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं बहुत पहले की बात उस टाइम पे कुछ नहीं किसी को पता था कि ये इसका क्या होगा मैम व्हाट इज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म से कितने प्रकार के जीव हैं ठीक है छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप पोरी फेरा छोटे छोटे स्पॉन्जेस कुछ एनिमल्स फिर प्लांट्स की इतनी सारी स्पीशीज फिशेस की इतनी सारी स्पीशीज कीड़े मकोड़े इतनी सारी स्पीशीज हैं इतने स्पीशीज हैं टोटल इतने स्पीशीज हैं टोटल अब इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे ताकि आपको पता चले कि इसके बारे में अगर स्टडी करनी है तो ये कौन से किंगडम में बिलोंग करता है कौन से फाइलम में बिलोंग करता है कैसे पता चलेगा उसके लिए हमें डिविजन्स करने होंगे ना तो सबसे पहले जो डिवीजन हुआ था वो इस बेसिस पे हुआ था कि इसको मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को देख के हम बता देते हैं कि ये प्लांट है और ये एनिमल है बस इसी बेसिस पर सिंपल सा डिवीजन हो गया चलो उस पे बाद में जाएंगे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है नोमेनक्लेचर 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 कुछ भी नहीं दिस इज द नेमिंग जैसे आप लोगों का नामकरण हुआ वैसे ही नोमेनक्लेचर में हर एक स्पीशीज का नामकरण होता है अब वो जो नामकरण होगा ना तो वो जो नाम रखा जाएगा वो एक साइंटिफिक नेम होगा ये नहीं कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में मैंगो को आम बोलते हैं किसी दूसरे देश में उसको कुछ और ही बोलते हैं बाकी अलग अलग रीजन में कुछ और ही बोल रहे हैं तो हर जगह अलग अलग नाम में कन्फ्यूजन हो जाएगी ना साइंटिस्ट को तो एक साइंटिफिक नेम हर एक स्पीशीज का होता है हर एक स्पीशीज का इनफैक्ट हमारा भी साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस राइट right? तो हम सारे ही होमोसेपियंस हैं आप भी होमोसेपियन हो हर हर इंसान होमोसेपियन है तो उनके स्पीशीज का एक नाम नाम रखना ताकि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो किस तरह के डिवीज़न से बिलोंग करता है किस तरह का ऑर्गेनिज्म है हायर ऑर्गेनिज्म है कि लोअर ऑर्गेनिज्म है या फिर क्या क्या चीजें हैं ठीक है ठीक है तो ये हो गया आ, किसके बारे में नॉमिन के बारे में नामांकन कर देना यानी कि उसका नॉमिन कर देना अब आफ्टर नॉमिन एक टर्म आता है आइडेंटिफिकेशन जब तक नाम नहीं रखा जाएगा तब तक पहचान कैसे बनेगी नाम से ही तो पहचान है है ना नाम से ही तो पहचान है आधार कार्ड आपका तभी बनाना जब आपको पता था कि आपका नाम क्या है आधार कार्ड क्या है आपकी आइडेंटिटी है आपका आइडेंटिटी कार्ड है है ना? कार्ड है ना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका तो उसी तरह से हर एक स्पीशीज का जब कालेचर हो गया जब उसकी नेमिंग हो गई तब उसको आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस शुरू हुआ कि नाम के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन दिस प्रोसेस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन मिस्ट्री में भी पढ़ना है नॉमिन अभी तो उसमें तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना यहाँ पे जितना पढ़ना है मैं आपको बता दूंगी उससे ज्यादा नहीं आएगा कुछ भी ठीक है चलिए चलिए आगे चलते आइडेंटिफिकेशन के बाद कुछ आ, ऐसे एप्रिवियशन है जैसे कि आईसीबीएन आईसीबीएन क्या है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमिन क्लेचर यानी कि प्लांट से रिलेटेड जितने भी स्पीशीज हैं वो उनका क्या होगा बोटेनिकल नॉमिन क्लेचर होगा तो वो आईसीबीएन से रिलेटेड होंगे ICZN एक होता है ICZN एग्जाम में आपके सिर्फ और सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा और ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस पता नहीं क्या क्या करके पूछ लेता है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो ठीक है लिख लेती हूँ मैं चलो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल बोटैनिकल चर नॉम इन क्लेचर यहाँ पे सेम चीज इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉम क्लेचर जो एनिमल से रिलेटेड सारी आइडेंटिफिकेशन होती है वो आईसी जेड एन करवाता है जोलॉजिकल नॉम क्लेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर आप क्या पूछ रहे हो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मैम वी हैव टू फॉलो अपडेटेड बुक फॉर इलेवेंथ ऑब्वियसली वॉट इज आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन जैसे कि नाम रखा गया उसके बाद उसकी पहचान की जाएगी ना नाम के बेसिस पर ही तो पहचान होती है तो उसका पहचान करना उसके बारे में जानना जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है कैसे जब नाम रखा जाता है तो उससे हमें क्या-क्या इंफॉर्मेशन -क्या मिलती है तो सबसे पहले मान लो मैंगो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका तो इससे हमें समझ में आ गया कि मैंगीफेरा जो होगा हो इंडिका जो है, वो उसका, आ, नेम हो इंडिका है तो ये अलग अलग कहां से मिली कहाचर करने के बाद ही मिली और उस नॉमिन के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी ठीक है? समझ में आया? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है देखने के बाद किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स को आप देख रहे हो दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आप उसके शरीर के अंदर घुस के तो देख नहीं रहे हो कि उसके ऑर्गन्स कैसे कैसे हैं आप देखोगे तो उसको बाहर से देखोगे ना एक्सटर्नली देखोगे ना उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस अब इंसान के मॉर्फोलॉजी कैसी होगी कि उसके पास एक हेड है नेक है दो हाथ है फिर ऐसा ट्रंक है बॉडी है दो पैर हैं है ना? हमारे पास कोई टेल नहीं होता मैं एक बंदर को देखोगे तो आप उसकी मॉर्फोलॉजी उस तरीके से डिस्क्राइब करोगे हेरी बॉडी होगी एक टेल भी होगा दोनों चारों पैरों पे वो चलने वाला होगा थोड़े से लंबे से कान उसके होते हैं थोड़ा सा अजीब सा उसका नाक होता है ऐसे करके फिंगर्स उसके बहुत लंबे लंबे से पॉइंटेड से होते हैं कुछ तो आप उसे डिस्क्राइब करोगे ना तो देख कर देखने के बाद जो फीचर्स के बेसिस पर हम दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसी को बोला जाता है मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस मैम ह्यूमन बायोलॉजिकल नेम बता दो होमोसेपियंस मैम आप तो बायोगी पीपीटी नहीं बनाती मैं बनाती हूँ फिलहाल अभी रिवीजन का क्लास है इसीलिए मैं आपको सॉर्ट ऑफ रिवाइज ही करा रही हूँ इसीलिए पीपीटी से नहीं करा रही जब मैं डिटेल क्लास लूंगी आप लोगों की तब मैं आपकी पीपीटी से ही क्लास लूंगी पीपीटी बनाने का प्रोसेस भी मेरा स्टार्ट हो चुका है क्रोमोसोम बता दो नीट के बेसिस पे नीट के बेसिस पे ये मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन चलो तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं अब आ जाता है सिस्टमैटिक्स ठीक है सिस्टमैटिक का क्या मतलब है किसी भी किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म को अगर हमें कहीं पर किसी जगह पे रखना है कि हाँ भाई ये तुम्हारा देश है ये तुम्हारा शहर है ये तुम्हारा मोहल्ला है ये तुम्हारी कॉलोनी ये तुम्हारा घर है इसके अंदर तुमको रहना है समझ रहे हो आप बात को तो इतने सारे जो डिफ्रेंसिएशन हुई ना देश फिर शहर फिर डिस्ट्रिक्ट फिर मोहल्ला एंड देन घर उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म को रहना है तो पता कैसे चलेगा कि वो ऑर्गेनिज्म क्यों वहां पर रह रहा है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ अरेंजिंग एनीथिंग, वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे जिससे हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ से शुरुआत हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की और कहाँ तक वो पहुंच चुका है फाइन तो सिम्सन ने सबसे पहले डिफाइन किया था सिस्टमैटिक को एज इट इज अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसका कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस ये है कि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर हम समझते हैं एनाटमी बॉडी के अंदर के फीचर्स को देख हम समझ जाते हैं ठीक है कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग समझ में आ गया तो सिस्टमैटिक्स जो है वो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन आ गया नॉमिन आ गया क्लासिफिकेशन आ गया चलो क्लासिफिकेशन में बता देती हूँ क्या होता है अब अगला टॉपिक मैं बता दू हम्म <laughs> हम्म सिस्टमैटिक्स तो समझ में आ गया आप लोगों को अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो जिस ऑर्डर में जिस रैंक में जिस हरकी में हम एक ऑर्गेनिज्म को पुट करते हैं रखते हैं उसको उस प्रोसेस को बोला जाता है कि क्लासिफाई करना नहीं कहते हैं कि Uh, हम टिश्यूज को या फिर सेल्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, हैं। तो मल्टी सेलुलर उसी तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो मान लो रैंडमली आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप इमेजिन कर लिए अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कौन से किंगडम में कौन से फाइलम में कौन से क्लास में कौन से ऑर्डर में कौन से जीनस में कौन से स्पीशीज में रखोगे इसी को क्लासिफिकेशन बोला जाता है और और शुरुआत जब क्लासिफिकेशन से हुई थी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ binomial, आ, ये सॉरी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हुई थी वो भी अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा रुक जाओ आ जाते हैं हम बायनोमियल नॉम्क्लेचर पे अगला जो टर्म है वो है बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर मैंने बताया था ना आपको कि अभी मैं बताती हूँ कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो किस बेसिस पे रखा गया है तो अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि जो नेमिंग जो नामांकन सारे ऑर्गेनिजम्स का हुआ वो किस बेसिस पर रखा गया ठीक है तो अब हम जानेंगे कि जो साइंटिफिक नेम है जैसे कि हमारा नाम है हम सारे इंसानों का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्या क्या रूल्स होते हैं बायोनोम के ये आप लोग देख लो सबसे पहला रूल होता है कि जो बायोलॉजिकल नाम होगा वो लिखा जाएगा लैटिन में फर्स्ट रूल रिटर्न इन कुछ प्रिंट कर रहे होते हैं, तो देख रहे होते हैं ना ऊपर आई लिखा होता है बी लिखा होता है आई लिखा होता है यू लिखा होता है बी का मतलब की उस लेटर को बोल्ड कर दो आई का मतलब उसे इटैलिक्स पे चेंज कर दो यानी कि उसको थोड़ा सा टेढ़ा जैसा वो वो लेटर्स टेढ़े से दिखने लग जाएंगे ना तो इट इज अ वे ऑफ प्रिंटिंग इट इज अ वे ऑफ राइटिंग तो वो इटैलीसाइज़्ड किया जाता है उस बायोलॉजिकल टर्म को तो सबसे पहला रूल तो यही है कि उसे हु, मैम क्रोमोसोम बता दो हमारे स्कूल में सेल शुरू करवाया है समझ नहीं आया मैम क्रोमोसोम बता दो क्रोमोसोम तो आप लोगों को उसी टाइम पे पता होगा जब आप लोग क्लास टेंथ में हो उस टाइम पे तो पता ही होगा ना चलो मैं बता देती हूँ हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस होते हैं और आपको क्रोमोजोम का पूरा स्ट्रक्चर दिखता है क्रोमोजोम एक तरह से समझ लो सिंपल चेन होती है जिसके अंदर डीएनए के सीक्वेंसेस पाए जाते हैं क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम जीन्स बोलते हैं कुछ याद आ रहा है आप लोगों को चलो एक काम करो इस क्लास के बाद जीन्स करके सर्च कर लेना या फिर जीन्स के आगे मेरा नाम लिख देना मैंने पिछले सेशन में जीन्स के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था उसमें क्रोमोजोम भी एक्सप्लेन है वो देख लेना समझ में आ जाएगा ठीक है हां जी चलो तो लैटिन में लिखा जाएगा एटेलिसाइज कर दिया जाएगा आ, उस बायोलॉजिकल टर्म को इतना है फर्स्ट यूनिवर्सल रूल सेकंड यूनिवर्सल रूल है कि जो पहला वर्ड होता है बायोलॉजिकल वर्ड का बायोलॉजिकल नेम का साइंटिफिक नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस और सेकेंड नेम रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी वो स्पीशीज है स्पीशीज का नाम फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस सेपियंस हमारा नाम है ना इंसानों का साइंटिफिक जो नेम है वो होमोसेपियंस तो ये क्या है ये है जीनस और सेपियंस हमारी स्पीशीज है सेपियंस क्या है हमारी स्पीशीज है तो ये हो गया सेकेंड रूल थर्ड रूल में हम ये देखते हैं ये यूनिवर्सल रूल आता है एग्जाम में सबसे पहली बात आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि मेंशन फोर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोनोम नॉमिनक्लेचर तो ध्यान से देखिए तो तीसरा रूल है कि दोनों ही नाम को जब आप अपने हाथों से लिख रहे होते हो ना जब आप हैंड रिटर्न लिखते हो तो आपको उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है Separately जैसे अभी मैंने किया यहां पर एक साथ ही उसको underline नहीं किया उसे separately underline किया यानी जीनस वाले वर्ड लेटर जो होगा फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा वो कैपिटल में होगा देखो यहां पे दिख रहा है एच मैंने कैपिटल में लिखा लेकिन S मैंने स्मॉल में लिखा इसी तरीके से हैंड रिटन जब आप किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हो तो इसी तरह से लिखा लिखना होता है अदरवाइज वो इनकरेक्ट कंसीडर हो जाएगा और आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे इतने साइंटिफिक नेम्स अभी आप लोगों को लिखने होंगे ना आदत डाल लो कोई भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में दूसरे वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में और दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन कर देना है और जब आप प्रिंट कर रहे होगे तो अंडरलाइन की जरूरत नहीं है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इटैलीसाइज़्ड कर देना इटैलिक्स में उसे प्रिंट कर देना है नाम को ठीक है चौथा यही कह रहा है चौथा जो यूनिवर्सल रूल है वो यही कह रहा है कि किसी भी वर्ड का जो आ, एक सेकंड चौथा जो है वो ये कह रहा है कि आप इलस्ट्रेट कर सकते हो किसी भी साइंटिफिक नेम को बाय राइटिंग इन दिस मैनर मतलब पूरी एक तरह से सम कर रहा है वो तीनों पॉइंट्स को कि जब भी आप पहला जो वर्ड लिख रहे हो जीनस वो आप किस तरह से लिखोगे इस तरह से लिखोगे स्पीशीज का नाम ऐसे लिखोगे और इलस्ट्रेशन दे रहा है फोर्थ पॉइंट में फोर्थ यूनिवर्सल रूल में मैंगी फेरा इंडिका का मैंगी फेरा इंडिका का जो कि साइंटिफिक नेम है मैंगो का मैंगी फेरा इंडिका जैसे मैंने लिखा सेम इसी वे में आप लोगों को लिखना है सेम इसी वे में आप लोगों को लिखना है कोई दिक्कत कोई दिक्कत कहीं पर भी कोई दिक्कत ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को और दिक्कत होगी बिना तो अभी बस आप इतना देख लो इस क्लास में कि अच्छा ये ये टॉपिक्स होते हैं फिर जब हम डिटेल में क्लास करेंगे ना फिर मैं देखना जो भी क्वेश्चन पूछूंगी आपको उसका आंसर पता होगा क्योंकि रिविजन का मतलब ही ये होता है क्लास के पहले रिविजन कर लो कि एक बार देख लिया अच्छा अच्छा ये ये टॉपिक है फिर जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ध्यान आता है अच्छा ये उस दिन जो पढ़ा था उसका ये मतलब है फिर ऐसा समझ में आता है ना कि वो जिंदगी भर भुलाता नहीं है तो ये तरीका आप लोग एक बार इसको एक्सेप्ट कर लिए ना फिर मजा आ जाएगा फोर्थ वाला समझा दीजिए मैम प्लीज तो उसमें कुछ नहीं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना सेम चीज है सेम चीज है तीनों का सम अप है एक तरह से कि इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा और इसे हैंड रिटन लिखते समय ये ध्यान दिया जाएगा कि जीनस का नेम का फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में और स्मॉल लेटर जो है वो सॉरी स्मॉल सेकेंड वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में बस ठीक है नहीं नहीं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा ठीक है गलत ग, गंदी बात चलो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की चलिए क्या टाइम हो रहा है चलो अभी तो है टाइम आ जाते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में का मतलब क्या होता है रैंक होता है कि किस तरीके से कौन सा डिवीजन सबसे बड़ा डिवीजन होगा फिर उससे चलो सबसे बड़ा जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं किंगडम सबसे बड़ा डिवीजन होता है किंगडम प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम किंगडम फंजाई किंगडम मोनेरा जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं ठीक है किंगडम होता है आ, सबसे बड़ा वाला ग्रुप सबसे बड़ा वाला रैंक सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक हायरार्की इसके बाद आ जाता है फाइलम या फिर डिवीजन फाइलम या डिवीजन जैसे कि मतलब हम हम इंसान जो हैं वो सॉरी <coughs> हम इंसान जो हैं जो ह्यूमन बींग्स है वो <coughs> फाइलम कोडेटा में आ जाते हैं फाइलम कॉर्डेटा क्या है वो किंगडम के अंदर एनिमल किंगडम के अंदर कॉर्डेटा फाइलम है डिविजन वर्ड जो है डिजन प्लांट के लिए यूज किया जाता है डिविजन प्लांट के लिए यूज किया जाता है यानी कि किंगडम प्लांटे के अंदर कितने डिविजन होंगे फिर उसके फर्दर कितना क्लासिफिकेशन होता है डिविजन के बाद आ जाता है क्लास ठीक है क्लास के बाद आ जाता है ऑर्डर ऑर्डर के बाद आ जाता है फैमिली फैमिली के बाद जीनस और सबसे लास्ट में स्पीशीज ठीक है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर ना आपको नाम पता है आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको उसके बारे में जानना है तो आप कैसे जानोगे कि उसके नाम से तो आपको जीनस और स्पीशीज पता चल जाएगा ठीक है फिर आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि वो जीनस किस फैमिली में आते हैं तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इस फैमिली को बिलोंग करता है फिर फैमिली से आपको पता चल जाएगा ये किस ऑर्डर में ये फैमिली आती है तो फिर आपको ऑर्डर का पता चल जाएगा फिर ऑर्डर से आपको पता चल जाएगा कि ये क्ला सी क्लास को बिलोंग करता है तो इससे आपको क्लास पता चल जाएगा फिर फाइलम और इससे पता चल जाएगा कि वो कौन से किंगडम में बिलोंग करता है ठीक है मैम कैन आई सेलेक्ट द साइंस स्ट्रीम ऑफ़ कोर्स यू कैन ये तो आपकी मर्जी है ना बेटा ये तो आप चाहोगे तभी हो पाएगा ठीक है नाम कर्मा कर्मा आप बिल्कुल साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो ये ये तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है चलिए तो इससे हमें समझ में आ गया कि इतनी टेक्सोनॉमिक हरार होती है हर एक हाँ जी मैं समझ गई मैं समझ गई किंगडम नहीं समझ में आया किंगडम क्या होता है सबसे बिगेस्ट क्लासिफिकेशन की कैटेगरी होती है सबसे बड़ी कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की कोई भी टैक्सोनॉमी होगी ना किसी भी स्पीशीज को अगर रैंक में रखा जाएगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो कौन से किंगडम का है एनिमल किंगडम का है कि प्लांट किंगडम का है कि फंजाई किंगडम का, है, कि fungi kingdom का है, है कौन से किंगडम का फिर उसके बाद उसके फाइलम के बारे में फिर क्लास के बारे में फिर ऑर्डर के बारे में ऐसे करते करते हमें पता चल जाता है उसके सारे -के सारे के का चलो मैं आपको ह्यूमंस का बता देती हूँ ह्यूमंस में ह्यूमंस का मैं आपको पूरा हर बता देती हूँ फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में कौन से किंगडम में आएंगे वो एनिमल किंगडम में आएंगे एनिमेलिया में आएंगे फाइलम क्या होगा उनका कॉर्डेटा फाइलम होगा कॉर्डेटा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ठीक है कॉर्डेटा के बाद क्लास कौन सी होगी मेमेलिया क्लास होगी मेमेलिया क्लास होगी क्योंकि मेमोरी ग्लैंड होते हैं हमारे फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है कौन सा ऑर्डर होगा हम प्राइमेट्स होते हैं हम प्राइमेटा में आते हैं तो हम प्राइमेट्स है ऑर्डर प्राइमेट्स हो जाएगा फिर फैमिली क्या होगी होमोनीडी होमो नी डी और जीनस क्या होगी होमो और सेपियंस हो जाएगा स्पीशीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ह्यूमन बीइंग्स के टैक्सोनॉमी के बारे में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी की जब स्टडी करनी होगी तो आपको इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा कि वो कौन से किंगडम में बिलोंग करता है वो उसका फाइलम क्या है उसका क्लास क्या है उसका ऑर्डर क्या, 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 क्या है उसकी फैमिली क्या उसकी जीनस क्या उसकी स्पीशीज क्या है फाइन चलो मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को मैंगो का एग्जाम्पल दे देती हूँ मैंगो का भी देख लेते हैं पूरा टेक्सोनॉमिक भी यहाँ पे आपके पेज नंबर इलेवन में लिखा हुआ है ना विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये वाला टेबल याद कर लो मैं दिखाती हूँ जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है ये वाला टेबल याद कर लो इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे हमेशा चलिए चलिए जी अब आपको हम बताते हैं मैंगो के बारे में सबसे पहले मैंगो कौन से किंगडम का है प्लांट किंगडम का है ना एनिमल का तो होगा नहीं तो किंगडम प्लांट अब वो कौन से डिवीजन का है तो मैंगो क्योंकि उसमें उस फल होते हैं फूल होते हैं तो फ्लॉरिंग प्लांट जिसमें होगा वो ऑब्वियसली एनजीओ होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंजियोस्पर्म डिवीजन उसका हो गया एंजियोस्पर्म कुछ होंगे जिम्नोस्पर्म कुछ होंगे टेरिडोफाइटा कुछ होंगे ब्रायोफाइटा तो अलग-अलग डिवीजन -अलग में वो आ गए अब आ जाते हैं क्लास में तो कौन सा क्लास होगा इनका मैंगो मोनोकोट होते हैं कि डाइकोट होते हैं गुठली देखियो सीड की सीड देखियो मैंगो का डाइकोट होता है ना दो कोटलिडन्स होते हैं ना तो ये आ जाएंगे डाइकोटिलेडन में ठीक है समझ में आ गया इनका जो ऑर्डर होता है इसे बोलते हैं सेपिन डेल्स ये थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा और याद तो खैर बहुत कुछ करना पड़ेगा उसका तो कुछ आ, कोई हिसाब ही नहीं है कि कितनी सारी चीजें याद करनी होती है चलो फैमिली का नाम है एना कार डीए डीएसी एक ट्रिक आपको बताती हूँ रुक जाओ मैंगी फेरा मैंगी फेरा जीनस का नाम और मैंगी फेरा इंडिका इंडिका हो गया स्पीशीज का नाम तो ये पूरी कैटेगरी पता चल गई मैंगो की किंगडम से लेके स्पीशीज तक की एक ट्रिक जान लो जब फैमिली की बात आती है ना तो जितने भी एनिमल किंगडम के स्पीशीज होते हैं उसकी फैमिली में लास्ट में ए -E आ जाएगा ई e करके आप प्रोनाउंस करोगे होमोनीडी ठीक है ई e करके प्रोनाउंस करोगे जब प्लांट स्पीशीज आ जाती है तो उसकी फैमिली का नाम ए ए -E से एंड हो जाता है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ए सी ठीक है एनाकार्डिएसी लेग्युमुनेसी पोएसी ठीक है ये सारे फैमिली के नाम हैं तो ये ट्रिक आप लोग हमेशा याद रख लो कभी भी ऐसा पूछा गया कि इस मान लो ये फैमिली है एक स्पीशीज की इसका किंगडम बताओ तो आप आसानी से बता सकते हो ए सी जहां पे प्रोनाउंस होगा वो प्लांट का होगा और सिर्फ ए ई जहां पर होगा वो एनिमल का होगा मैम बड़े-बड़े नाम याद नहीं होते याद तो करना पड़ेगा कोई ऑप्शन ही नहीं है इस चीज का तो मैं मैं भी कुछ नहीं कर सकती कोई ऑप्शन नहीं है बेटा ये समझ में आ गया चलो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक हो जाएगा हमारा एड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शायद इस बार आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि मेरा काम है सारे के सारे टॉपिक्स कवर करना चलो हम्म <laughs> नॉमिक नॉमिकल एड्स टैक्सोनॉमिकल एड्स क्यों बोला जा रहा है वो वाला एड्स नहीं है बीमारी वाला एड्स उसमें उसमें डबल आई होती है ठीक है ये एड्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको किसी काम को करने में हेल्प करे तो टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी कि टैक्सोनॉमी पता करने में हेल्प करने वाले कुछ तरीके ठीक है चलो आप लोग लेकिन अलग लेवल के हो हाँ जी तो पहला जो टेक्सोनॉमिकल एड मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वो है हरबेरियम वो है हरबेरियम जिसमें से अनगिनत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे हरबेरियम एक ऐसी रिपोजिटरी है एक कलेक्शन है जिसमें हम प्लांट की स्पीशीज को ड्राई करके उसे एक पन्ने में एक शीट ऑफ पेपर में ड्राई करके प्रेस कर देते हैं और उसे प्रिजर्व कर देते हैं तो आपने देखा होगा जिन भी लोगों को वैलेंटाइंस वगैरह में गुलाबे मिली हैं रोजेस मिले हैं और उन्होंने उस रोमांस को आगे बढ़ाने के लिए डायरी वगैरह में दबा कर रखा है वो देख सकते होंगे कि अभी भी उसका स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ होगा है ना वो स्ट्रक्चर वैसा ही बना रह गया होगा रोज़ दिख रहा है वो कि वो रोज है है ना उसी तरह से सिर्फ उसी तरह से समझ लो कि प्लांट के भी स्पीशीज को वैसे ही प्रेस करके ड्राई करवा के प्रिजर्व किया जाता है शीट ऑफ पेपर में और उसकी पूरी कलेक्शन होती है के अंदर ठीक है ओके मैं नहीं बोलूंगी मुझे समझ में आ गया दुख दर्द पीड़ा मैं सब सब समझ गई आप लोगों का यहीं से बैठे बैठे समझ गई मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी दिल पे नहीं लेना बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना सब ठीक है सब ठीक है बढ़ाई करो फाइन तो वैसा ही एक रिपोजिट एक कलेक्शन होता है में तो उसी को कहते हैं हर्बेरियम जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं उस शीट ऑफ पेपर के नीचे बॉटम कॉर्नर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में उस आ, प्लांट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी प्लेस ऑफ कलेक्शन प्लेस ऑफ कलेक्शन डेट ऑफ कलेक्शन डेट ऑफ कलेक्शन फिर कलेक्टर का नाम किसने उसको कलेक्ट किया जिस इंसान ने किया उसका नाम उस स्पीशीज का उस प्लांट का लोकल नेम लोकल नेम एंड उस स्पीशीज का साइंटिफिक नेम एंड उस स्पीशीज का साइंटिफिक नेम इतनी इंफॉर्मेशन उस हर्बेरियम शीट में प्रेजेंट होती है तो जब साइंटिफिक नेम पता चल जाता है ना और लोकल नेम पता चल जाता है तो आगे की टेक्सोनॉमी पढ़ने में भी इजी हो जाती है ये एक तरह का टेक्सोनॉमिकल एड है दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है बोटेनिकल गार्डन थैंक यू आर बोटेनिकल गार्डन थैंक यू थैंक यू आर मैम हाउ टू बिकम मरीन बायोलॉजिस्ट उसके पहले पहले आप लोग ट्वेल्थ क्लियर कर लो फिर बताऊंगी मैं मरीन बायोलॉजिस्ट कैसे बनना है पहले 12th कर लो, तक सब सारे 12th कर ही लेते हैं अच्छे से चलिए तो बोटैनिकल गार्डन क्या है भाई साहब बोटैनिकल गार्डन जू में गए हो तो जू में आप देखते हो सारे एनिमल्स होते हैं ना बोटानिकल गार्डन एक ऐसा गार्डन है एक पार्क है एक एरिया है जहाँ पर वराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज एग्जॉटिक स्पीशीज ऐसे ऐसे स्पीशीज जो उस जगह में उस एरिया में उस शहर में जल्दी पाए भी नहीं जाते उनको भी वहाँ पर रखा गया है ग्रो कराया गया है और वो जिंदा है लिविंग लिविंग प्लांट स्पीशीज हर्बेरियम में सारे प्लांट स्पीशीज डेड हो चुके होते हैं ड्राइड हो चुके होते हैं पर यहाँ पर लिविंग होते हैं वो फल फूल रहे होते हैं वो खिल रहे होते हैं ठीक है थीके? तो लिविंग प्लांट स्पीशीज की जो एक रिपोजिटरी होती है कलेक्शन होता है जिस गार्डन में उसे कहते हैं बोटानिकल गार्डन ठीक है garden, समझ में आ गया समझ में आ गया अब आ जाते हैं हम म्यूजियम्स में म्यूजियम नाम तो सुना हुआ होगा ही, नाम तो सुना ही होगा। म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंट्स का कलेक्शन रखा जाता है। प्रिजर्व्ड यानी कि प्लांट, एनिमल जो भी है, सब मरे हुए हैं, उन सब की बॉडी को, प्लांट के डेड बॉडी, एनिमल के डेड बॉडी को केमिकल्स में प्रिजर्व करके कंटेनर्स में या बॉक्सेस में या फिर जहाँ पे भी सूटेबल हो रखा जाता है उसे स्पेसिमेन बनाकर एक एग्जाम्पल बनाकर कि देखो इंसान का खोपड़ी ऐसा दिखता है इंसान का हाथ ऐसा दिखता है शेर के दांत ऐसे दिखते हैं ठीक है अलग-अलग बॉडी पार्ट्स या फिर पूरे ही बॉडी को एक तरह से कन, आ, मतलब कलेक्ट करके प्रिजर्व करके जहां पर उसका पूरा कलेक्शन होता है उसी को कहते हैं म्यूजियम फाइन म्यूजियम हो गया अब हम आ जाते हैं जूलॉजिकल 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 पार्क्स। जू तो गए हो गए ऐसा मत बोल देना कि हम कभी जू नहीं गए ऐसा बोल मत देना एक बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर और नहीं गए हो ना इसी साल प्लान कर लो ट्रिप ट्रिप चले जाना बहुत बहुत अच्छी जगह होती है बहुत इंफॉर्मेटिव जगह होती है आलतू फालतू जगह जाने का बहुत टाइम होता है लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड किसी जगह में घूमने का कोई टाइम नहीं होता तो जूलॉजिकल पार्क यानी शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम जू बोलते हैं तो जू एक ऐसी जगह है जहाँ पे तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स बर्ड्स और एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसके मोस्ट ऑफ द स्पीशीज वहां पर जिंदा रखे जाते हैं उनका पूरा एक कलेक्शन होता है उनकी फूड हैबिट्स का भी ख्याल रखा जाता है जो ऐसे एनिमल्स uh, होते हैं जो ठंडे वाले जगह पे पाए जाते हैं उनके लिए एसी वगैरह भी लगाई जाती है स्नेक्स के लिए uh, उनका छोटा छोटा वो uh, डैम बनाया जाता है जहाँ पे वो आराम से रह सके तो पूरा उनके लिए खास ख्याल रखते हुए उनको जिंदा रख के वहाँ पे इवन उनको रिप्रोड्यूस भी करवाया जाता है उनकी अगली जनरेशन भी वहीं पर आई होती है तो ये पूरा उनका कलेक्शन होता है जू में तो जू इज ऑल्सो अ वेरी गुड एड फिर आ जाते हैं कुछ छोटे मोटे टैक्सोनॉमिकल एड्स जैसे कि की, कीज है मैनुअल्स है मैनुअल्स है मोनोग्राफ्स है ठीक है तो ये छोटे मोटे टेक्सोनोमिकल एज हैं जिसमें भी आपको एक कलेक्शन मिल जाएगी फोटोज के साथ उसमें पूरा टेक्सोनोमिक हैरार ठीक है कीज में आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में पूरा जानने को मिलेगा सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स भी एक तरह के कैटलॉग्स अलग होते हैं ठीक है कैटलॉग्स होते हैं ये सारे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड्स होते हैं एक तरह से रिकॉर्ड बनाया जाता है बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को डिटेल क्लास में समझा दूंगी ठीक है जितना इम्पॉर्टेंट था आप लोगों के लिए पूरा ओवरव्यू चैप्टर का मैंने समझा दिया डिटेल लेक्चर हर एक टॉपिक पे अभी तो मैंने मतलब डेफिनेशन भी नहीं लिखी बहुत कुछ नहीं लिखा पर मैंने टॉपिक कवर कर दिया डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस में हम डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम्स और भी बहुत सारी चीजें चार्ट्स टेबल्स सब कुछ देखेंगे तो गेट रेडी फॉर दैट क्लास थोड़ा सा वेट कर लीजिए शेड्यूल आने दीजिए फिर सब कुछ प्रॉपरली शुरू हो जाएगा और अब हम लोग मिलेंगे क्लासिफिकेशन और उसमें भी वैसे ही मजा आने वाला है आप लोगों को ठीक है डिटेल क्लास बहुत जल्दी हो जाएगी बच्चों शेड्यूल बहुत जल्दी आ जाएगा एंड फिर हम लोग खूब मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे ठीक है अगले सेशन में मिलते हैं तब तक के लिए इतना जो भी मैंने पढ़ाया एक बार अगर एनसीईआरटी होना आपके पास तो फटाफट से देख लो कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है आप जैसे एनसीईआरटी पलट रहे होगे ना आपको लगेगा अरे मैम ने ये बताया था अरे मैम ने वो बताया था ऐसे करके और जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी अभी नहीं है प्लीज टेक सम टाइम बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है एनसीईआरटी की बुक्स तो आप वो परचेस कर सकते हो क्योंकि आगे दो साल आपको यही पढ़ना है एनसीआरटी ही पढ़नी है चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो नीट एग्जाम के लिए अगर आप आ, प्रिपरेशन करना चाहते हो एनसीआर खरीदना ही पड़ेगा तो डू इट एंड फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर बच्चों एंड थैंक यू सो मच बाय बाय नमस्कार